वह उस जंगल का राजा बने। उस भाग के साथ हमेशा एक लोमड़ी और एक भेड़िया दोनों घूमते थे। वे दोनों बाघ के किसी जानवर को मार के खाने के बाद की बचा हुआ आहार खा के जी रहे थे। वह बाघ बाकी के जानवरों से दुर्व्यवहार करके डरा कर भयभीत करता था। एक दिन बाघ ने शेर से कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ करके बोलते हुए बहस करने लगा। वह बहस थोड़ा आगे जाकर बड़ी लड़ाई में बदल गई और दोनों के बीच युद्ध भी छिड़ गई। उस युद्ध में शेर के पंजों से मार खाकर बाघ हार गया। तब बाघ को बहुत प्यास लगी, लेकिन फिर भी कमजोरी के कारण उठ ना पाते हुए ऐसे ही एक पेड़ के नीचे पड़ा था। उसी रास्ते